business. Chicken karahai. Hi guys, I am Esra Bilgiç. Today I'm gonna try to top Pakistani dishes to pick my number one Pakistani dish. Let's get started. It's delicious, it's good. Yummy. Yeah, but it's so hot. So spicy. What is the name of it? Chicken karai. Chicken karai is the next one. This is the big one. It's too big. I'm crying. Is it spicy thing again? No, it's not spicy. It's not dessert. Oh, what is the name of it? Golgappe. Can I get a glass of water, please? The next fish, please. It's so spicy. The next one is dai chawal. Dal chawal. It's the best pronunciation. Okay. I'm happy with this. So spicy. Okay. It's good. I hope it's dessert, but it's not. Yes, it's dessert. No, it's good. It's like tulumba, you know? Tulumba tatlısı. Fine. I like it. Okay. I'm so excited because biryani is the thing. I understand now. It's delicious. Wow. I like it. It's my number one, I think. Yep. Yeah, it's my number one. I like it. Hi guys, I tried all the dishes. Tell me which one is your number one. Write in the comments. Chicken biryani is the best, without a doubt. Hello everyone, welcome to Pakistan Times channel. Isra Belgic jo Turkish adakara hai. Puri duniya mein is waqt apne kamyab tareen drama अर्तुल गाजी की वजह से हर दिल अजीज हो गई है। अर्तुल ड्रामे में बहुत ही वफादार, खूबसूरत और बहादुर लड़की का किरदार अदा करने वाली हलीमा सुल्तान इस ड्रामे में ऐसा शानदार और मुस्बिर किरदार अदा करने की वजह से आज हजारों दिलों पर राज कर रही है। पाकिस्तान टाइम्स चैनल आज की वीडियो में हलीमा सुल्तान यानी इसरा बेल्जिक की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में चंद अहम मालूमात शेयर करने वाली है। तुर्की की मशहूर अदाकारा और मॉडल इसरा बेल्जिक 14 अक्टूबर 1992 में तुर्की की कैपिटल सिटी अंकारा में पैदा हुई। इसरा बेल्जिक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिका है। हल्की भूरी आंखों वाली प्यारी इसरा की हाइट 5 फीट 10 इंच और वेट 68 बताई जाती है। 2014 से 2018 में अर्तुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने के साथ साथ इसरा का रवा साल यानी 2020 में एक क्राइम सीरीज ऑन एयर है जिसका नाम रैमो है और वो भी बहुत ही मकबूल तरीन सीरीज रही है। इसरा बेल्जिक ने बेल्कनेट यूनिवर्सिटी अंकारा से इंटरनेशनल रिलेशन में एजुकेशन हासिल की और अब वो इस्तांबुल शहर यूनिवर्सिटी से लाभ पढ़ रही है। अपने बेहतरीन अदाकारी की वजह से इसरा बेल्जिक ने कई अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। अर्तुल गाजी की वजह से इसरा बेल्जिक 2014 से 2016 तक बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ द सीरीज अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। इसरा बेल्जिक ने अपने जीवन साथी का इंतहाब 2017 में की थी। इसरा ने 2017 में गोहान तोरे जो तुर्किश प्रोफेशनल फुटबॉलर है उसके साथ शादी मनाई। शादी से पहले वो कई साल एक दूसरे को पसंद करते रहे और रिलेशन में भी रहे लेकिन बदकिस्मती से इस खूबसूरत अदाकारा की शादी सिर्फ 2 साल तक चल सकी और फिर इन दोनों के दरमियान पर्सनल इश्यूज के बिना पर 2019 में डिवोर्स हुई। एक जराए के मुताबिक इसरा और गोहान की शादी में तैयब अर्दोगान ने भी शिरकत की थी।
जिस तरह अर्तुल गाजी में हलीमा सुल्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्पावर वुमन दिखाई गई है, इसरा बेल्जिक अपनी असल जिंदगी में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। डिवोर्स के बाद उसने अपने करियर को उसी तरह कंटिन्यूस रखा और उसके बाद इसरा बेल्जिक की बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट सामने आए। इसरा बेल्जिक ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपने फैंस से पोशीदा नहीं रखा, बल्कि वो रेगुलरली इंस्टा स्टोरीज पर अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती नज़र आ रही है। इसरा बेल्जिक कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक रखती है और उसका कहना है कि वो बनाती भी बहुत अच्छी है और खूब खाती भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिल लगा कर इसलिए भी खाती है क्योंकि वो रेगुलरली वर्कआउट करती है जिम पर जाके, और जिस दिन जिम ना हो उस दिन वो घर पर ज़रूर वर्कआउट करती है। साथ में बताते चले कि अर्तुल गाजी ड्रामे के बाद इसरा बेल्जिक का पाकिस्तानियों के साथ अटैचमेंट भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस ड्रामे की वजह से इसरा बेल्जिक को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। इसरा बेल्जिक ने अपने एक पोस्ट में पाकिस्तान आने की ख्वाहिश भी जाहिर की है कि कोरोना से हालात बेहतर हो जाए तो वो ज़रूर पाकिस्तान आएगी। फ्रेंड्स, हम दुआ करेंगे कि कोरोना से हालात ठीक हो जाए और ये प्यारी मलका पाकिस्तान विजिट करके आए, तो हम खूब अच्छी से उनका इस्तकबाल करेंगे और मेहमान नवाजी करेंगे कि जाते हुए ये पाकिस्तान की बिग फैन बन के जाए।